नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको राग दरबारी के चार कोड ऐसे बताऊंगा कि अगर आप उन चार कोड्स को बजाना सीख लेते हैं, किसी भी आप गाने में उसको यूज़ कर सकते हैं। राग दरबारी के जितने भी गाने हैं, अगर राग दरबारी में 2000 गाने हैं या 5000 गाने, तो उन 4-5 हज़ार या 2000 गानों में आपके यही चार कोड ही लगेंगे, ठीक है। तो आप राग दरबारी का कोई भी गाना पकड़ लीजिए, उसमें यही कोड बार बार लगते रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले जानेंगे राग दरबारी के बारे में। राग दरबारी में 3 स्वर कोमल होते हैं, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, ठीक है जी। अभी मैं इसका आपको आरोह अवरोह बता देता हूँ। आरोह में लगेंगे सा, शुद्धरे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और तार सत्ता का सा। ये इसका आरोह है और इसका उल्टा अवरोह हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आरोह और अवरोह है। अभी ये राग दरबारी सबसे पहले हम पहली काली से देखेंगे। आप एक बार इसके स्वर देख लीजिए, इसमें 3 स्वर कोमल है, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, ठीक है। पहली काली से मैं आपको राग दरबारी बताने जा रहा हूँ। देखिए, माइनर फील का राग है। देखिए, यह है सा, शुद्धरे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और ता सप्ता का सा, ठीक है। अभी देखिए एक बार मैं बजा के दिखा देता हूँ आपको राग दरबारी। ठीक है, तो ये है आपका राग दरबारी। अभी देखिए, वैसे तो देखा जाए तो राग दरबारी में टोटल कितने स्वर लग रहे हैं? देखा जाए तो टोटल 7 स्वर लग रहे हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर है और 7 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसके कोड देखेंगे, यानी कि पहले सा का कोड देखेंगे, फिर रे का कोड देखेंगे, फिर गा कोमल का कोड देखेंगे, मा का कोड देखेंगे, पा का कोड देखेंगे, कोमल धा का और कोमल नी का। तो टोटल ये हमारे 7 कोड बनेंगे। असलियत में देखा जाए तो राग दरबारी के 7 कोड बनते हैं। आगे चल के इन 7 में से 4 ऐसे कोड बताऊंगा मैं आपको, जो कि आपके हर एक गाने में वो कोड लगेंगे। सो सबसे पहली जो चीज़ है, आपको तरीका क्या करना है निकालने के लिए, इसमें 2 तरीके हैं कोड निकालने के। एक है 1-5-8, एक तरीका है 1-4-8, ठीक है। यानी कि पहला सुर, पांचवा सुर और आठवां सुर, पहला सुर, चौथा सुर और आठवां सुर, ठीक है। अभी देखिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि अगर आप 1-5-8 लगा रहे तो उसमें आपके यही स्वर आने चाहिए। यानी कि अगर राग दरबारी में सा लग रहा है, शुद्ध रे लग रहा है, तो कोमल गा ही आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपका शुद्ध गा आएगा, ठीक है। जो स्वर लग रहे हैं वही स्वर आएंगे। अभी देखिए, अभी मैं सा का कोड निकालूंगा। तो पहले मैं 1-5-8 लगा के देखूँ, 1-4-8 लगा के देखूँ। अभी सा का कोड निकालना मेरे को। देखिए, राग दरबारी के लिए सा को 1 नंबर माना, फिर 5 नंबर सुर पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5 और 8। अगर मैं 1-5-8 लगाता तो यहाँ पे मेरे शुद्ध गा आ रहा है, तो राग दरबारी में शुद्ध गा नहीं लगता, तो यहाँ पे ये प्रोसेस फेल हो गया। अभी मैं लगाऊंगा 1-4-8, 1-4-8 लगाया तो मेरा बन रहा है सा, कोमल गा, पा। तो मतलब कि मेरा राग दरबारी में सा भी आ रहा है, कोमल गा भी आ रहा है और पा भी आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो मेरा सिस्टम पास हुआ, 1-4 पास हुआ, तो यहाँ पे सा, कोमल गा, पा पहला कोड बनेगा ये वाला आपका। इसी तरह अभी हम रे का कोड देखेंगे। 1-5-8 लगाएंगे, फिर 1-4-8 लगाएंगे। देखिए, पहले मैं अगर लगाऊं 1-5-8 लगाता तो मेरा बन रहा है रे, तीव्र मा और शुद्ध था। ना तो हमारा राग में तीव्र मा आ रहा है, ना तो राग में हमारा शुद्ध धा आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो नेक्स्ट चीज आएगी, 1-4-8 लगाते तो 1-4-8 लगाने के बाद आता है शुद्ध रे, शुद्ध मा और शुद्ध धार, तो ये भी प्रोसेस फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे हट के कोड बनेगा, वो बनेगा ये वाला कोड, ये कोड बनेगा आपका राग दरबारी। इसमें क्या है कि आपका शुद्ध रे है, पा है और कोमल नी है, तो ये बनेगा रे का कोड, ठीक है। तो ये आप इसमें ऐड कर लीजिए, शुद्ध रे, ठीक है, और आपका पा और कोमल नी, तो ये बनेगा रे का कोड, रे पा नी, ठीक है जी। अभी गा का कोड देखते हैं। पहले 1-5 लगाएंगे, अभी 1-5-8 लगाते तो ये कोड बनता है हमारा 1 नंबर 5 नंबर और 8 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 8 नंबर, तो ये बन रहा है गा पा नी। यहाँ पे हमारा गा भी कोमल है, पा भी और नी भी है। अगर मैं गा
एक चार आठ लगा तो ये बन रहे गा तीव्र मानी, तो ये हमारा कोड नहीं लगा तो यहाँ पे लगा गा पानी, एक पांच आठ लगेगा। देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा कोड भी मिल गया गा पा नी। अभी माँ का कोड देखेंगे, माँ का कोड देखने के लिए वही प्रोसेस सेम, एक पांच आठ लगाया तो बन रहा है हमारा मा धा शुद्ध धा और तासुत्तक, तो हमारा इस राग में शुद्ध धा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक चार आठ लगाएंगे, तो एक चार आठ लगाने पे आ रहे हैं मा कोमल धा और तासुत्तक का सा, तो ये कोड हमारा बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं मा कोमल धा और तासुत्तक का सा। इसी तरह पा का निकालेंगे, पा का कोड बनेगा ये वाला पा नी रे, ठीक है पा नी रे, पा कोमल नी और तासुत्तक का रे, ठीक है। अभी धा का कोड देखते हैं, कोमल धा का कोड बनेगा एक पांच आठ लगाते तो ये कोड बनेगा, अगर एक चार आठ लगाते हैं तो ये कोड बनेगा, तो ये हमारा शुद्ध नहीं आ रहा, तो इसमें बनेगा धा धा सा गा, ये कोड बनेगा धा सा, ठीक है। अभी नी का कोड देखते हैं, तो नी का कोड बनेगा आपका ये वाला कोड बनेगा नी रे मा, ठीक है। तो ये है एक पांच आठ लगाया मैंने यहाँ पे नी रे मा, ये रहा नी रे मा, ठीक है। तो ये सात कोड है, अभी इसमें से आपके सिर्फ चार ही कोड लगने। सबसे पहला कोड आपका जो लगेगा, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सबसे पहला कोड आपका हर एक गाने में लगना ही लगना है, वो है सा गा पा, यानी कि पहला कोड, ठीक है जी। अभी दूसरा कोड मैं आपको, अभी एक गाना पकड़ते हैं हम रश के कमर, ठीक है, सबसे आसान गाना सबने सुना हुआ है, वही गाना पकड़ता हूँ मैं। देखिए मैं निकाल रहा हूँ गाना पहली काली से, मैंने क्या कहा था सबसे पहला कोड आपका लगेगा सा गा पा, तो ये कोड लग गया। फिर अभी देखते हैं, दूसरा कोड आपका हर एक गाने में लगेगा वो है नी रे मा, ये आप कोड अपने इसमें ऐड कर लीजिए, ये वाला कोड लग रहा है नी रे मा, सबसे लास्ट वाला। दूसरा कोड जो आपका हर एक गाने में लगना है वो है नी रे मा, ठीक है। इसके दो कोड बन सकते, एक तो जा तो आपका नी मंद्र सप्तक का हो सकता है, या दूसरा बन सकता है नी मध्य का हो सकता है, रे और मा तार सप्तक के हो सकते हैं, ठीक है। ये दो कोड बन रहे इसी से, इसी स्वर के, ठीक है। अभी तीसरा कोड देखते हैं, पहले बजाते हैं वही गाने से, अब जब नजर पे ये कोड आ रहा है धा सा गा, ये वाला कोड, ये वाला कोड तीसरा कोड है धा सा गा, या फिर अगर ये मध्य सप्तक मंद्र सप्तक के लिए, ठीक है, और ये है मध्य तार मध्य सप्तक के लिए, यानी कि धा सा गा, ये है तार सप्तक के लिए, तीन कोड। चौथा जो कोड बनेगा अपना वो देखते हैं, ठीक है, चौथा कोड अपना वही सा गा पा ही बन रहा है, यही रिपीट हो रहा है। तो मतलब कि देखा जाए तो ये वाला कोड अपना यहाँ पे रिपीट हो रहा है, चौथा कोड यही है। अभी देखिए ये चार कोड पे मैं आपको वही, असल में देखा जाए तो तीन ही कोड है, चौथा तो रिपीट हो रहा है, मैं अभी आपको इस पे और गाने बजा के दिखाता हूँ, यही कोड लगाऊंगा मैं। देखिए अभी इसमें मैं एक और गाना बजा रहा हूँ, देखिए कौन सा गाना बजा रहा हूँ, नीले नीले अंबर पे, तो ये देखिए मैंने कोड क्या लगाया नी रे मा, देखिए सागा पा, इस गाने में भी वही कोड लग रहे हैं। अभी आपको एक और गाना बजा के दिखा दूं, देखिए मैं अभी गाना बजा रहा हूँ, क्या बोलते हैं ये दुनिया ये महफिल, देखिए सागा पा लग गया, फिर वही लग गया नी रे मा, वही सागा पा गया, ठीक है, मतलब वही कोड लग रहा है। अभी एक और गाना पकड़ते हैं, दिल के अरमा आंसू में बहेगी, वो देखिए सागा पा गया, ठीक है। अभी एक और गाना देखते हैं राग दरबारी में, मेरे महबूब,
सागा पा, वही नीरे मा, मतलब कि राग दरबारी के जितने भी गाने हैं आपके ये चार कोड ही लगेंगे। यानी कि सागा पा तो वैसे देखा जाए तो पहला कोड ही रिपीट हो रहा है, तो मतलब कि देखा जाए तो तीन ही कोड है ये वाले। ये तीन कोड आप बजाना सीख लीजिए, राग दरबारी का कोई भी गाना पकड़ लीजिए कोई भी। अभी ये जो चीज़ है ये है, अगर आपको मंद्र सप्तक में नीचे जा रहे हो तो ये वाला कोड लगे, नहीं यानी कि नी नीचे का होगा, रे और माँ, और ये है तार सप्तक के लिए, इसी तरह ये भी मंद्र सप्तक के लिए, ये तार सप्तक के लिए। अब मैं ये भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, जैसे मान के चलिए मेरा कोई गाना यहाँ पे चल रहा है, जैसे मैंने रश के कमर बजाया, अभी मैं नीचे वाले नी पे, तो मेरा नीचे वाला मंद्र सप्तक का नी और शुद्ध रे और माँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बजा रहा हूँ तो यहाँ पे वो चीज़ होगी कि नी मध्य का हो गया ये वाला, और रे ऊपर का होगा, ऐसे हो गया। तो ये मंद्र सप्तक के लिए, ये मध्य सप्तक के लिए, स्वर वही है, बस स्वर वही है, बस फर्क सिर्फ है सप्तक का, ठीक है। तो ये चार कोड अगर आप, तीन या चार कोड जो भी हैं आप सीख लेते हैं राग दरबारी का, कोई भी दुनिया जहान का गाना पकड़ लीजिए, बस अभी आपको यही याद रखना है कि इसमें मेरे को जो कोड सीखने, इनको खाली आपको बजाना कैसे देखिए, पहले ये चीज़ करनी है, सागा पा, फिर नीरे मा, फिर मासा धा, सॉरी धा सा गा, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करो इसको, 1 2 3 स्टार्ट, फिर 1 2 3 चेंज, 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 इसको ऐसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस तरीके से आप राग दरबारी के किसी भी गाने को आप कोर्स के साथ बजा सकते हैं। राग दरबारी के सिर्फ ये तीन या चार ही कोड हैं जो आपके राग दरबारी के हर एक गाने में, अगर राग दरबारी में 5000 गाने आ रहे तो 5000 गानों में यही चार कोड ही लगेंगे, ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं आएगा बाहर से, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।